हूँ। पिछले बार हमने बताया ये जो चार रूप ध्यान है जिसको सॉरी भगवान बुद्ध ने स्वयं महाचुंद को श्रावस्ती का जो अनाथ पिंडक बुद्ध विहार है वहां पर बताया था। भगवान बुद्ध वहां बताते हैं कि ये जो रूप ध्यान की अवस्थाएं हैं जिन्हें हम समाधि कहते हैं ऐसा नहीं है। ये जो प्रथम ध्यान है जहां वितर्क भी रहते हैं विचार भी रहते हैं प्रीति भी रहती सब कुछ मिक्स रहता है। कभी किसी का अनुभव होता है कभी किसी का अल्प अनुभव होता है। ये जो ध्यान है ये रूप ध्यान की पहली अवस्था है और वहां ये समझा रहे हैं एक सेंटेंस बता रहे हैं आर्यजन जो इसे है वो दृष्ट धर्म सुख विहार कहते हैं इसे ध्यान नहीं कहते हैं। आर्य विनय में आर्य धर्म में इन्हें संलेख नहीं कहा जाता है। संलेख का मतलब होता है तप। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इसे दृष्ट धर्म सुख विहार कहा जाता है। दृष्ट माने देखा हुआ यानी अर्थात इसी काया में इसी जन्म में इसी शरीर से जो हम प्राप्त करते हैं उसे सुख विहार की पहली अवस्था कहते हैं। और दूसरी अवस्था में वितर्क और विचार शांत हो जाते हैं प्रीति की अवस्था होती है। आर्यजन इसे दृष्ट धर्म सुख विहार कहते हैं। आर्य विनय में से दृष्ट धर्म सुख विहार यानी इसी जन्म में इसी शरीर में सुख विहार की जो अवस्था होती है सुख विहारी भी कह सकते हैं इनको कहते हैं। और तीसरे में जो बताया था कि यहाँ पर क्या होता है कि सुखद अवस्था दुखद अवस्था के गायब होने से एक उपेक्षा भावना के आ जाने से जो उत्पन्न होती है स्मृति उसे रूप ध्यान की तीसरी अवस्था अर्थात सुख विहार कहते हैं। और चौथी अवस्था में पूरी तरह से सुख और दुख से रहत की जो अवस्था होती है उसे रूप ध्यान की चतुर्थ अवस्था कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसको जो हमारे नए नए साधक हैं वो नहीं समझ पाते हैं इसलिए उनके लिए अगर उदाहरण सहित उनकी उपमाएं अगर दी जाएं तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। तो भंते संगरक्षित जी इसको और अच्छी तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं कि पहले जो रूप ध्यान की जो अवस्था है हम कैसे जानेंगे हम पहले रूप ध्यान की अवस्था में हैं। तो वहां ये कहते हैं जैसे साबुन में जो पाउडर होता है या साबुन का जो चूरा है पानी में मिक्स कर दिया जाता है दोनों एक तरह से मिल जाते हैं ऐसी अवस्था होती है रूप ध्यान की पहली अवस्था होती है। यहां पर देखा होगा जब पाउडर को पानी में मिलाते हैं तो वहां बुलबुले भी बनने लग जाते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति है ध्यान की प्रथम अवस्था में वो सराबोर हो जाता है। कैसे सरोबोर हो जाता है पूर्ण जो उसकी मनोवैज्ञानिकता है उसके साथ उत्क्रांति से सराबोर हो जाता है पूरी तरीके में से घुल मिल जाता है। ये जो ध्यान की है पहली अवस्था होती है।
दूसरी अवस्था में भंते जी क्या बताते हैं कि मान लो हमसे बताया जाए एक सुंदर झील की कल्पना है जिसमें ऊपर तक लबालब पानी भरा हुआ है। इस झील में जो पानी है, जो नीचे से जो सुराख होते हैं उन्होंने बुलबुले द्वारा पानी ऊपर को उठ करके आता है, हालांकि इसमें हर समय स्वच्छ पानी भरा रहता है। तो ये जो दूसरे ध्यान की जो अवस्था है यहाँ पर पारदर्शक हो जाती है, जहां पर आप गहराई तक उस झील के पानी की तलैटी में क्या क्या चीजें हैं वो आप देख सकते हैं। ऐसे ही ध्यान की जो दूसरी अवस्था है वो हमारे मन के अंदर क्या क्या है और क्या क्या बुलबुले उठ रहे हैं, यहाँ पर जो है सक्रिय गतिशील और कभी न समाप्त होने वाली प्रेरणा का जो स्रोत है हमें मिलता है, ऐसी अवस्था रूप ध्यान की दूसरी अवस्था होती है। यहाँ पर हमारा मन जो है ये करता बस इसी में लगे रहो, इसका ही आनंद लेते रहो। बंते जी आगे बताते हैं तीसरी जो ध्यान की जो उपमा है, रूप ध्यान की उपमा है, जैसे हम जल में उगे हुए जो कमल दल हैं उनको कल्पना करने के लिए कहते हैं कि आप देखते हैं कि कमल दल है पानी से पूरी तरह से सरोबोर होता है, पानी में पूर्णतः डूबा हुआ होता है, इसके अंग प्रत्यंग में पानी ही पानी भरा हुआ होता है। ऐसी होती है हमारे रूप ध्यान की तीसरी अवस्था। यहाँ पर चेतना की जो उत्क्रांति है उसे हम सराबोर होते हैं, बल्कि इसमें समाहित भी होते हैं, उसमें एक स्वाभाविक तत्व के रूप में हम विद्यमान होते हैं और उसी से अपना जीवन रस और शक्ति चूसते रहते हैं। ऐसे जो है रूप ध्यान की तीसरी अवस्था होती है। और चौथे रूप ध्यान की जो अवस्था है, भंते संगरजी जी बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति, आजकल गर्मी दिल्ली जैसे उत्तर भारत में बहुत ज्यादा पड़ रही है, जैसे कोई व्यक्ति है गर्मी से सताया हुआ है, धूल से धूसरित हुआ है, धूल भी लगी हुई है, और ऐसे में वो अगर स्नान कर लेता है और स्नान करने के बाद वो जो गर्मी है उसकी गर्मी ठंडक में बदल जाती है, उसको ठंडक महसूस होती है, ऊपर से अगर वो सफेद चादर लपेट ले और उसमें अगर कॉटन की हो तो उसके जो हवा जो लगती है बदन में ऐसा लगता है कूलर की हवा लग रही हो, तो उसके मन को सुखद शांति मिलती है। ऐसी जो अवस्था है वो होती हमारे चौथे रूप ध्यान की अवस्था होती है। लेकिन यहाँ पर भगवान बुद्ध महाचुंद को बताते हैं ये जो चार रूप ध्यान की अवस्था है ये जो है संलेख नहीं है, ये तप नहीं है, ये सुख विहार की अवस्था है। आगे की जो अवस्था है, जो चार अरूप ध्यान भगवान बुद्ध ने बताए हैं वो थोड़े से कठिन है, लेकिन फिर भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। ये हमने मध्यम निकाय से संलेख सूत्र से लिया है। तो यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध महाचुंद को बताते हैं कि चुंद इससे और ज्यादा गहराई की जो अवस्था है जिनको हम उत्क्रांति की चार अवस्थाएं कहते हैं, अरूप ध्यान की चार जो अवस्थाएं कहते हैं, उसमें का जो पहला अरूप ध्यान है उसमें जो आकाश है वो अनंत है। आकाश अनंत है ऐसा आभास होता है। इस अरूप ध्यान की अवस्था में हमारा जो मन है आकाश यतन या आकाश अंचायतन या अंग्रेजी में से कहते हैं स्फीयर ऑफ इनफिनिट स्पेस, यानी कि यहाँ पर जो है मन की विशालता का पूर्ण अनुभव होता है, मन विशाल है ऐसा हमें वहां लगता है। इसको जो है
अरूप ध्यान की पहली अवस्था कहते हैं। यहाँ पर जो है जैसे कि आकाश है, आकाश अनंत है, अपरमित है, असीमित है, ऐसी हमारे मन की अवस्था होती है। हमारा मन यहाँ आकाश की तरह विशालता का अनुभव करता है, इसे अरूप ध्यान की पहली अवस्था कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं चुंद आर्य विनय में इसे संलेख नहीं कहते हैं, इसे शांत विहार कहते हैं। जो रूप ध्यान की चार अवस्थाएं हैं उसे सुख विहार कहते हैं। दृष्ट धर्म सुख विहार, अर्थात इसी शरीर में, इसी जीवन में जो सुख की अवस्था ध्यान के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और यहाँ पर इसे अरूप ध्यान के अंदर कहते आर्य विनय में इसे संलेख नहीं कहते हैं, इसे शांत विहार की अवस्था कहते हैं। यहाँ पर हमारा मन आकाश की तरह विशाल हो जाता है। आगे भगवान बुद्ध बताते हैं महाचुंद को, मैं भंते जी के शब्दों में बताना चाहता हूँ कि उन्होंने और ज्यादा क्लियर किया है। वो कहते हैं जो अरूप ध्यान की जो दूसरी अवस्था है, यहाँ पर हम विज्ञाना यतन की अवस्था को प्राप्त करते हैं। अर्थात विज्ञान कैसा है, विज्ञान अनंत है, असीमित है, अपरमित है, इसको और ज्यादा अच्छी तरीके से हम समझने के लिए बाबा साहब ने धम्म प्रचार के लिए जो चार प्रतिज्ञाएं दी हैं, उनमें से एक प्रतिज्ञा है, वहां पर भगवान वो बाबा साहब कहते हैं कि विज्ञान अनंत है। आओ, यानी कि वो कहते हैं अनंत सत्य हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अनंत सत्य हैं। आओ शपथ लें कि हम इसका साक्षात्कार करेंगे। भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमने कुछ माँ के गर्भ में सीखा है, कुछ बच्चों के साथ बचपन में सीखा है, कुछ स्कूल में सीखा है, कुछ स्कूल के बाद हमने अपने परिवार में समाज से सीखा है, वर्तमान में हम धार्मिक रूप से अपने धम्म मित्र हैं, धम्म सहायक हैं, धम्मचारी हैं, धम्मचारिणी हैं, इनसे कुछ न कुछ सीख रहे हैं। तो ज्यों ज्यों हम आगे सीखते चले जाते हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि विज्ञान यहाँ खत्म हो गया या हमारे सीखने की सीमा खत्म हो गई। हम आजन्म कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। ये जो विज्ञान है, ये जो अनंत है, नए ज्ञान के लिए हम अपना पूरा जो पुराना जो विज्ञान है, पुराना हमारा जो ज्ञान है, उसको हम पीछे छोड़ते चले जाते हैं। यहाँ पर विज्ञान अनंत है, जो हमने सीखा वो ही नहीं है। आप सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ ने अलार कलाम से कुछ सीखा तो उन्होंने ऐसा नहीं मान लिया कि बस पूरा हो गया, बोले इससे भी आगे कुछ है। और जब उन्होंने कहा इससे आगे मुझे नहीं मालूम, तो आगे जाकर उद्धव रामपुत्र के पास गए, केश कम्बल के पास में गए, लेकिन अंतिम तक यही जवाब मिला इससे आगे मुझे नहीं मालूम। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया, स्वयं आगे अपना विज्ञान जो है उससे साक्षात्कार किया, और जब पूर्ण रूप से उन्होंने साक्षात्कार लिया तो वो संबुद्ध कहलाए। तो विज्ञान क्या है, अनंत है। ऐसी अवस्था हमारे मन की हो जाती है कि मन में आप अनंत हैं, अपरिमित हैं। ये केवल अपनी काया तक सीमित रहने तक नहीं होता है, बल्कि मन की जो गहराई है वहां जो हम उसका अनुभव करने लग जाते हैं। अनंत आकाश तक जो सारी दिशाओं में फैला होता है, ऐसे मन की अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। अरूप ध्यान की जो तीसरी अवस्था है, यहाँ पर भगवान बुद्ध महाचुंद को बताते हैं, और हम यहाँ पर भंते संग रचे जी के शब्दों में समझा रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहां बताते तीसरी होती है अकिंचनायतन, नो थिंग नेस नॉर नॉन पार्टिकुलरी, अर्थात यहाँ शून्यता का भाव होता है। चीजें अपना अपनी पहचान अपना अस्तित्व खो देती हैं,
आप उनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसी अवस्था हमारे मन में आती है, ऐसा अनुभव होता है हालांकि वस्तुएं विद्यमान रहती हैं, परंतु उनको एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं होता है और उनका एक दूसरे से विलगन भी नहीं किया जा सकता है। ऐसी जो अवस्था होती है वो होती है तीसरे रूप ध्यान की अवस्था। और चौथा जो होता है अवस्था जो है वो महाचुन को समझा रहे हैं भगवान बुद्ध, बंते संग रज्जी जी कह रहे हैं यहाँ पर, वर्तमान में नैब संज्ञा ना संज्ञा यतन, अर्थात स्फीयर ऑफ नाइदर परसेप्शन नॉर नॉन परसेप्शन, अर्थात यहाँ पर ना संज्ञा ना ही ना संज्ञा की स्थिति होती है। ये जो स्थिति है अवर्णनीय होती है, इसका वर्णन सही में हम नहीं कर सकते हैं, इसका जो ध्यान गहराई से करेंगे वही इसका अनुभव ले सकते हैं। यहाँ जो वस्तुओं की जो क्षीणता है, इतनी अति क्षीणता होती है, अति क्षीणता होने की बजाय हमें उनका ज्ञान नहीं रहता है, हमें उनका बोध नहीं हो पाता है। वस्तुएं अधिक क्षीण नहीं है तथापि उनमें जो है न्यूनाधिक अभी भी है, ऐसी जो अवस्था है वो अरूप ध्यान की चौथी अवस्था होती है। क्योंकि अद्यपि वस्तु क्षीण नहीं है, यहाँ पर अबोधता भी नहीं होती है और बोधता भी नहीं हो पाती है, तथापि न्यूनाधिक अभी भी है, इसमें जो व्यक्ति है और जो वस्तु है, व्यक्ति और वस्तु के बीच का जो भेद है वो मिट जाता है। ये अभी हमने पहले शुरुआत में चार रूप ध्यान की अवस्थाएं और चार अरूप ध्यान की जो अवस्था है, इसमें समाधि के अंदर उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, प्रगति होती रहती है, जिसमें जो अनुदित हमारी जो अभी उदित नहीं है, अनुदित जो मानसिक जो अवस्थाएं हैं उनके विकास में हमारी प्रगति होती रहती है। इस तरीके से ये जो चार रूप ध्यान है और चार अरूप ध्यान है, तो चार रूप ध्यान की हमने उपमाओं को बताने का प्रयास किया है, आप सभी ने सुन लिया है। मैं अभी इसके बारे में और ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ कि बाद में ध्यान के लिए समय कम रह जाता है, अतः मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, मैं यहीं रुकता हूँ।